जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की जो भी वीडियो है ये है कि जो अपने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के मेडिकल और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ना, उसके चलते रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है और मेडिकल में भी, कि अभी कुछ जगह लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास भी व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों ने भेजा कि ड्यू टू कोविड के चलते अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं कुछ समय के लिए। और कुछ लोगों के कॉल भी आए जिन्होंने बताया कि बैंक वाले भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर रहे हैं, उनका स्टाफ नहीं है या शाइन बोर्ड से कोई उनको ऐसा बताया गया है कि कुछ समय के रोक दिए जाएँ, ताकि जैसे ही कोविड का सब कुछ नॉर्मल होगा तो करेंगे। ऐसे ही ऑनलाइन वालों का भी आया है कि 24 आवर्स हो चुके हैं और वहाँ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो मेरी तो शाइन बोर्ड में बात नहीं हो पाई कि किसी भक्त ने, लेकिन शाइन बोर्ड में बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि शाइन बोर्ड ने वालों ने कहा कि ऐसा अभी बात चल रही है कि नॉर्मल सी बात है, अगर हर जगह कोविड फैल रहा है तो हर जगह लॉकडाउन हो रहे हैं या लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ जगह बंदे नहीं हैं, कुछ जगह अब हम इतने फॉर्म भर रहे हैं तो शाइन बोर्ड में जम्मू में भी कुछ बंदे आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि शायद एक दो दिन में वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा। तो इसके लिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भक्त परेशान ना हो इस टाइप का, अगर कुछ हो रहा है बैंक वाले मना, अभी तो पहली बात ये करें कि कोरोना केस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं तो आप बैंक वगैरह जाना भी अवॉइड ही करें, ना जाएं। और ऑनलाइन अगर ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत आ रही कि 24 आवर्स हो गए कि वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि शायद एक दो दिन में शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा कि कुछ समय के लिए हम ये सब प्रोसेस जो है रोक रहे हैं, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि अगर शाइन बोर्ड रोकेगा तो कोई भी यात्री मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ था बीच में, जैसे कोविड चालू हुआ था तो बैंकों में और ये सब बंद कर दिया गया था, और बाद में जब नॉर्मल तो हो ही नहीं पाया था पिछली बार, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार नॉर्मल होगा तो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होगा। तो इसके लिए परेशान ना हो। काफ़ी सारे मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बना दूं इसमें बता दूं। तो इस तरह की न्यूज़ है, कहीं कहीं पे हो रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो और अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें ताकि हम सब इस चीज़ से बचे रहें। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।